हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम 19 क्वेश्चन वहाँ पे हल किए थे, तो आज उसके आगे से हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो है लेसिट शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए क्षितिजनाथ मजूमदार, आशित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आशित कुमार हल्दर। तो लेसिड शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं फ्रेंड, वो है आशित कुमार हल्दर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी में नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड, आवर हेरिटेज इन आर्ट जो है 1952 ईस्वी में जो लिखी गई पुस्तक है, उसके लेखक कौन है फ्रेंड? तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गया, क्षितिजनाथ मजूमदार हैं, कि डीपी राय चौधरी हैं, या फिर आशित कुमार हल्दर है। तो फ्रेंड, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आशित कुमार हल्दर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूपदर्शिका ललित कला की धारा नामक पुस्तक है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका आंसर देखिएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु। तो फ्रेंड, इसमें हम लोगों का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आशित कुमार हल्दर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ ने अपनी तुलका त्याग दिए? तो फ्रेंड, जो चित्र बनाया था उन्होंने, तो इसका ऑप्शन है महाप्राण, शाहजहां के अंतिम दिन, औरंगजेब का बुढ़ापा, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी तुलिका को कब त्यागा था? तो फ्रेंड, जो ये महाप्राण नामक चित्र उन्होंने बनाया था, उसके बाद बनाने के बाद उन्होंने अपनी तुलिका को त्याग दिया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है नंदलाल बोस, सी है आशित कुमार हल्दर, डी है क्षेमेंद्रनाथ गुप्त। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का आरोहण नामक चित्र 1 घंटे में बनाया था। तो फ्रेंड, पांडवों का आरोहण नामक जो चित्र 1 घंटे में बनाया था, ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हम लोग का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित कीजिए। इधर कलाकार हैं, इधर उनकी उपाधियां हैं। तो देखिए फ्रेंड, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बसु हैं, आशित कुमार हल्दर हैं, क्षितिजनाथ मजूमदार हैं। इधर है फ्रेंड अवनी बाबू, कवि कलाकार, मास्टर मोशाय, संत कलाकार। तो फ्रेंड, प्लीज पिछले वीडियो में हमने जो बताया था आपको आशित कुमार हल्दर और क्षितिजनाथ मजूमदार के बारे में, जो एक संत कलाकार है, एक जो है कवि कलाकार है, इसमें फ्रेंड्स काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, इनको अवनी बाबू कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक। इसके बाद नंदलाल बोस है, जो आप सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, नंदलाल बोस को मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग देख लेंगे आशित कुमार हल्दर जो थे, आशित कुमार हल्दर ये कवि कलाकार के थे। आपको इनका जो है सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्षितिजनाथ मजूमदार हो जाएंगे, जो संत कलाकार हुए हैं। इस हिसाब से फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी फ्रेंड्स है सुमेलित कीजिए। ठीक है, वही है फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर इधर दिया है फ्रेंड्स, उनका जन्मतिथि दिया है और जगह का नाम दिया है, और फिर क्षितिजनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस और आशित कुमार हल्दर। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखिए 7 अगस्त 1871 जाड़ा साहब को कोलकाता, फिर 3 दिसंबर 1882 मुंगेर बिहार, फिर 31 जुलाई 1891 में मुर्शिदाबाद, फिर ऑप्शन मतलब सॉरी फ्रेंड, जो लास्ट वाला है देखिए 10 सितंबर 1990 कोलकाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। जो ये देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है पहला सही है, 7 अगस्त 1871 जाड़ा साहब को कोलकाता। फिर इसके बाद क्षितिजनाथ, देखिए फ्रेंड, ये जो है पहले का दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, तो फ्रेंड अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे, देखिए फ्रेंड, ये नंदलाल बोस हैं, इसके बाद आशित कुमार हल्दर हैं, फिर क्षितिजनाथ मजूमदार हैं, फिर ये सभी हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि उनके जो शिष्य थे फ्रेंड, नंदलाल बोस भी थे, आशित कुमार हल्दर भी थे, क्षितिजनाथ मजूमदार भी थे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसके चित्रों में काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है? तो
तो फ्रेंड किनके चित्रों में काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आशीष कुमार हल्दर, बी है चितिननाथ मजूमदार, सी है नंदलाल बोस, डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन होगा हम लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आशीष कुमार हल्दर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र बंदी राजकुमारी है। तो फ्रेंड बंदी राजकुमारी जो चित्र है, देखिए ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर, आशीष कुमार हल्दर, चितिननाथ मजूमदार, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा आशित कुमार हल्दर। जो बंदी राजकुमारी है फ्रेंड इसको चित्रित किया है आशित कुमार हल्दर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस कलाकार को भाव का सम्राट कहा जाता है? तो फ्रेंड किस कलाकार को भाव का सम्राट कहा जाता है? इसमें देख लीजिए ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हल्दर। तो फ्रेंड और लास्ट है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चितिननाथ मजूमदार के चित्रों का मुख्य विषय था? तो फ्रेंड जो चितिननाथ मजूमदार के चित्रों का मुख्य विषय है वो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है राधा कृष्ण एवं चैतन्य दिया है, फिर शिव दिया है, ग्रामीण जीवन दिया है, फिर लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा कृष्ण एवं चैतन्य। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड चितिननाथ मजूमदार को कहा जाता है? तो फ्रेंड देखिए चितिननाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है फ्रेंड? ये है पक्षी कलाकार, प्राकृतिक चित्रकार, सच्चे वैष्णव कलाकार, जनजाति के चित्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा ये सच्चे वैष्णव कलाकार। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र चैतन्य का गृह त्याग है? तो फ्रेंड जो प्रसिद्ध चित्र चैतन्य का गृह त्याग है, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें जो हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है छितिननाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किया? तो फ्रेंड जो छितिननाथ मजूमदार थे उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग का स्थापना किया था। वो कब किया था फ्रेंड? देखिए 1 सितंबर 1942, 1 दिसंबर 1942, फिर दिया है 1 सितंबर 1943, फिर इसके बाद है फ्रेंड ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, सॉरी फ्रेंड ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1943। तो फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 1 सितंबर 1942। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का है। छितिननाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष थे रहे। तो फ्रेंड जो छितिननाथ मजूमदार हैं आप लोगों को पता होगा, हमने बताया इधर जो पिछले क्वेश्चन बताया था फ्रेंड कि जो छितिननाथ मजूमदार थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किया था। तो ये फ्रेंड वहाँ पे कब तक कार्यरत थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1942 से 52 तक, फिर 1942 से 64 तक, फिर 1942 से 62 तक, फिर डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1942 से 64 तक। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 1912 से 30 ईस्वी तक छितिननाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक एवं प्राचार्य रहे? तो फ्रेंड जो छितिननाथ मजूमदार थे 1912 से 30 तक कहाँ जो है उन्होंने अपना अध्यापक एवं प्राचार्य का कार्य किया था? तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, फिर दिया है मद्रास कला विद्यालय, फिर जयपुर कला विद्यालय, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मजूमदार का प्रथम चित्र, मजूमदार का प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या जिसे एक अंग्रेज ने खरीदा था? तो फ्रेंड जो मजूमदार का चित्र था ध्रुव की तपस्या जो था, तो फ्रेंड उसको किसने खरीदा था? तो एक अंग्रेज ने खरीदा था। वो कितने में खरीदा था? देखिए फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए है 100 रुपये में, ऑप्शन बी है 50 रुपये में, ऑप्शन सी है 80 रुपये में, ऑप्शन डी है 500 रुपये में। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 रुपये में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेश घोष के विशेष आग्रह पर गीत गोविंद चित्रावली तैयार की? तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, नंदलाल बोसु हैं, असित कुमार हल्दर हैं, छितिननाथ मजूमदार हैं, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छितिननाथ मजूमदार। इसके बाद इस क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 40 है, कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान वायसराय ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की। तो जो कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान किस वायसराय ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की, तो फ्रेंड इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, लॉर्ड हॉकिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम लोग का जो इसमें आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हॉकिंग। फ्रेंड अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर फ्रेंड हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।